नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटीवी। मैं हूं सनोज गौतम। आज आपके लिए फिर लेकर आया हूं एक बार पर्दे के पीछे। ये हमारा एक स्पेशल कार्यक्रम है जिसमें हम आपसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर बात करते हैं, आपको बताते हैं वो चीजें जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी अगर हम देखें, जो भी मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कहीं ना कहीं ऐसी चीजों में बिजी है जो कि ज्यादातर टीआरपी का खेल है। लेकिन यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि आपको वो सारे पर्दे के पीछे का सच दिखाएं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे एनालिस्ट, हमारे विश्लेषक एके मिश्रा जी। एके मिश्रा जी वो नामचीन एनालिस्ट है जिनको आप बड़े बड़े टीवी चैनल्स पर, बड़े बड़े टीवी शोज पर रोजाना देखते हैं, अपनी बात को बहुत बेबाकी से रखते हैं और एक बहुत ही बेहतरीन वक्ता है एके मिश्रा जी। एके मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबीटीवी पर्दे के पीछे में। थैंक यू सरोज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सारे दर्शक जो आपके प्रोग्राम को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उनका भी आपके इस प्रोग्राम पर्दे के पीछे में स्वागत है। एके मिश्रा जी, आज मैं जिस मुद्दे के ऊपर बात करने जा रहा हूँ वो ना ही सिर्फ भारत या एशिया के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही जरूरी मुद्दा है जिसके बारे में सबको जानना बहुत जरूरी है। मैं बात करने जा रहा हूँ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की। किस तरीके से जो पावर इंजन थे वो अब शिफ्ट हो रहे हैं, जो पहले कहीं यूएसए में था या यूरोप में था, उसके बाद में अब वो एशिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है। जो पावर है वो कहीं ना कहीं अपना स्थान बदल रही है और उसमें अभी हम अगर देखें तो 2020 में तो उसके काफी हमें नए आयाम भी देखने को मिले हैं। तो इन सभी के ऊपर आपसे चर्चा करेंगे। हम जानना चाहेंगे कि सबसे पहले आप हमें बताइए कि जो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है इसके बारे में आपकी क्या राय है। देखिए सनोज, थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं। अगर आप पूरी दुनिया का इतिहास देखें तो हर काल में, हर पीरियड में, हिस्ट्री में, हर टाइम पीरियड में, कुछ जियोग्राफी में देखा जाए तो कुछ राज्य ऐसे थे जो बहुत ताकतवर होते थे और लगभग वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है या शासन तंत्र है वो उनके इर्द गिर्द घूमता रहता था। हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे आज के डेट में जो हमें पावर हब दिखता है, पावर सेंटर दिखता है ग्लोबल लेवल पे। इसकी शुरुआत आप ये समझिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से हम लोग शुरू करते हैं कि वहां से चेंजेस क्या है। थोड़ा सा आप ये देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले जो ग्लोबल पावर का डिस्ट्रीब्यूशन था या कहाँ कहाँ वो केंद्रित था, आप ये देखिए कि इस अभी जो है, जैसे अमेरिका सुपर पावर है, इसके पहले दो सुपर पावर थे, अमेरिका और रशिया, मतलब बाईपोलर था। रशिया के विघटन के बाद यूएसएसआर जब जो है डिसमेंटल हो गया तो ये सारा का सारा सुपर पावर का जो क्लेम है वो ऑटोमेटिकली अमेरिका की तरफ शिफ्ट हो गया। उसके पहले देखिए ग्लोबल सुपर पावर कौन था, ब्रिटेन था, इतने देशों में उनका राज्य था तो ब्रिटेन के आगे जो है। इसके साथ साथ अगर आप और देखिए, उन्हीं मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास जापान एक बहुत बड़ा पावर सेंटर था, जापान एक अम्पायर था। आप ये देखिए, मुगलों का भी कभी ऐसा था कि वो ग्लोबल पावर हुआ करते थे, बहुत ज्यादा बहुत एरिया पे उन्होंने जो है शासन व्यवस्था की। और जब कोई एक पावर सेंटर, एक पावर पर्टिकुलरली कोई कंट्री कहीं शासन करता है तो डेफिनेटली उसको इकोनॉमिक बेनिफिट होता है। तो हम बात शुरू करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे एक कॉन्सेप्ट था, मैं आपको बताता हूँ, खिलाफत का। खिलाफत मतलब यह था कि जो गल्फ वगैरह है, टर्की वगैरह है, इसके आसपास का बहुत बड़ा एरिया एक पावर सेंटर था, यानी एक यूनिफाइड वहां पे शासन प्रशासन की कमांड थी और उसका सेंटर था टर्की। टर्की एक ऐसा जंक्शन है जहां पे वेस्टर्न कल्चर यानी क्रिश्चियन कल्चर और मुस्लिम कल्चर, कई बार इन लोगों का आमना सामना हुआ है, युद्ध हुआ है। वो एक ऐसा जंक्शन इस तरीके से भी है कि कई बार टर्की वगैरह, जो आज टर्की की राजधानी है इस्तांबुल, उसको कुंतुस्तुनिया भी बोला करते थे पहले, कभी वो रोमन अंपायर के जो है कब्जे में रहा, फिर कभी वो जो है मुस्लिम अंपायर्स के कब्जे में चला गया, बहुत लड़ाइयां उसकी हुई है। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद क्या हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो ये खिलाफत थी, उम्मा जिसको बोला जाता है, उम्मत, जिसमें बहुत सारे मुस्लिम देश, यानी पूरा वो गल्फ वगैरह उसमें इंक्लूडेड था, एक बहुत बड़ा एरिया था, कई देश उसमें थे और उसका पावर सेंटर टर्की था, उसको तोड़ दिया गया, उसको डिसमेंटल करके कई हिस्सों में बांट दिया गया। और उसके साथ साथ टर्की चूंकि पावर सेंटर था तो ऐसी व्यवस्था की गई, टर्की के जो खलीफा थे उनको 100 साल के लिए बाहर भेज दिया गया कि आप टर्की में प्रवेश नहीं करेंगे, प्रतिबंध लगाया गया। ये एक टैक्टिस होती है कमजोर करने की, ताकि वो दोबारा सर ना उठाए। अच्छा, उसके बाद ये किया गया कि आप वहां पे पेट्रोल वगैरह या खानों वगैरह में खनन नहीं कर सकते हैं, ताकि इकोनॉमी हमेशा कमजोर रहे।
जो नहरें वगैरह हैं वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट, वहां पे ये उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया कि यहां से गुजरने वाले पानी के जहाजों के ऊपर आप कोई लेवी, कोई टैक्सेस, चुंगी वगैरह या राहगीरी वगैरह नहीं लेंगे। यानी सोर्स ऑफ इनकम जितने थे वो बंद कर दिए गए। यानी दो चीजें हुई, इतने बड़े बिजनेस एम्पायर, सबसे पहले वहां का जो किंग था, खलीफा था, उसको बाहर किया गया, 100 साल के लिए निष्कासित किया गया, ताकि वो अपनी आइडियोलॉजी को, अगर अंदर ही रहता उसको बाहर नहीं किया जा सकता, फिर वो लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर देता। फिर उसके बाद कई हिस्सों में उसको डिसमेंटल किया गया, छोटे छोटे देशों में, सऊदी अरब, कुवैत वगैरह, कुछ उनको जो है उनके आइडियोलॉजी को, कुछ उनके ऐसे फैक्टर्स को दिखा करके, जैसे सऊदी अरेबिया का जन्म इसलिए हुआ, वहां पे ये बोला गया, ये लॉजिक दिया गया कि मक्का मदीना तो आपके यहाँ है, तो मुस्लिमों के लिए स्पेशली या उम्मा का सेंटर देखा जाए तो आप होना चाहिए, टर्की क्यों है। तो वहां पे जो ये सऊद वंशज है, अरब जिसको बोला जाता है, ये अरब लोगों को जो है उनके अंदर एक भावना पैदा की गई कि आप उनसे बेटर है, यानी टर्की से, टर्किश लोगों से, टर्किश अंपायर से आप बेटर है, तो उनको वहां पे प्रमोट किया गया। तो उसके बाद से सऊदी अरब का और अरेबियन कल्चर का बहुत ज्यादा विस्तार होना शुरू हुआ। एक मिश्रा जी, मेरा अगला सवाल है कि जब हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं, पावर शिफ्ट की बात करते हैं, पावर मूव की बात करते हैं, तो आने वाले समय में ऐसे कौन से देश होंगे जिनको हम बोल सकते हैं कि ये सेंटर ऑफ पावर रहेगा या ये सेंटर ऑफ फोकस रहेगा, ये पर्टिकुलर इकोनॉमीज, ये देश है? क्योंकि पॉलिटिक्स, अगर हम बात करें राजनीति के, अंतर्राष्ट्रीय अगर हम रिलेशंस की बात करें, तो इकोनॉमी इज द न्यू पॉलिटिक्स, राइट? तो उसी के ध्यान में रखते हुए आप हमें ये बताइए, कौन से ऐसे देश हैं जो उभर के आने वाले हैं? क्या उसमें चाइना है, भारत है, या उसमें कोई और छोटे देश है? तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें विस्तार पूर्वक बताइए, क्योंकि लोगों को अभी इस पैंडेमिक, कोरोना के आने से पहले लगता था कि गल्फ की स्थिति बहुत अच्छी है, अमेरिका की स्थिति बहुत अच्छी है, जबकि हम बात करें अमेरिका के विश्लेषकों की, मैं उनको बहुत ध्यान से सुनता हूं, तो वो बोलते हैं कि अमेरिका का भविष्य आने वाले समय में खतरे में है, और यहां तक कि जो ग्लोबल जो ट्रेड इकोनॉमी है, जब हम बात करते हैं डॉलर की, तो शायद उसको भी बदलने की कुछ कवायद की जा रही है, तो उसके बारे में हमें विस्तार पूर्वक पूरी जानकारी दीजिए। मनोज, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। देखिए, हमने बात की कि आज जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसके पहले वर्ल्ड ऑर्डर क्या था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो गया, और नए वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका जो है एक तरफ आया, अमेरिका और उसके एलाइज जो थे, आप ये देखिए यूरोपियन यूनियन, ये एक ध्रुव बन गया, ये एक धुरी बन गया। थोड़े दिनों तक, कुछ सालों तक रशिया भी जो है एक मिलिट्री पावर रहा, इकोनॉमिक पावर नहीं रहा, लेकिन अमेरिका अगर देखा जाए तो एक आइडियल जो है ग्लोबल लीडर रहा, चाहे वो मिलिट्री के बारे में हो, चाहे इकोनॉमी के बारे में हो। अच्छा, अब देखिए सिचुएशन कैसी बन रही है। टर्की में जो वहां के राष्ट्रपति है एर्दोगान, उनका अपना वो, उन्होंने राग अलापना शुरू कर दिया है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो उनके ऊपर प्रतिबंध लगे थे वो 2022-23 में खत्म हो रहे हैं, तो उनको अपना एक नया भविष्य दिख रहा है कि वो खिलाफत को फिर से जो है इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, और टर्की को जो है उसका जो है पूरा सेंटर बनाना चाहते हैं, एटलीस्ट जितनी मुस्लिम कंट्रीज हैं। टर्की और सऊदी अरेबिया में भी द्वेष है, दोनों एक दूसरे पे दुश्मन बने पड़े हुए हैं, क्योंकि सऊदी को अपना वर्चस्व बचाना है, टर्की को अपना खोया हुआ वर्चस्व प्राप्त करना है। ठीक यही कॉन्सेप्ट कभी चाइना का भी था, तो चाइना अपने आप में मशगूल है, केंद्रित है, वो अपने आप को सुपर पावर इस्टेब्लिश करने में, इसलिए वो जो अभी एग्जिस्टिंग सुपर पावर है उनको जो है वो चैलेंज कर रहा है। अब देखिए हो क्या रहा है, सबसे बड़ी जो गफलत चल रही है वो चल रही है गल्फ के ऊपर। गल्फ की जितनी भी इकोनॉमी थी वो पेट्रोल के ऊपर चलती थी। अब सवाल, कई रीजन ऐसे आ रहे हैं कि जैसे आप देखिए जितनी व्हीकल्स हैं वो इलेक्ट्रिफाइड होने जा रही हैं, यानी इलेक्ट्रिक से चलने के लिए तैयार हैं, अगले 5-10 सालों में हो जाएगा। 5-10% 15% भी अगर पेट्रोल की डिमांड में गिरावट आ गई तो इनकी इकोनॉमी लगभग वर्ज ऑफ कोलैप्स पे पहुंच जाती है, खत्म होने के कगार पे। और अभी खबरें ऐसी आ रही हैं कि गल्फ में कई देशों ने बाहर से अब कर्जे लेने शुरू किए, जिनकी जिंदगी इतनी ऐसो आराम की होती थी, वहां के लोगों के टॉयलेट वगैरह सोने के होते थे, अब वो पूरा कोलैप्स के सिचुएशन पे आ गए हैं। इस चीज को यूएई ने बहुत पहले समझा था, तो उसने टूरिस्ट बेस्ड इकोनॉमी कर दी थी, ऑयल बेस्ड, ऑयल के ऊपर से डिपेंडेंसी हटा के उन्होंने टूरिज्म और बिजनेस हब बनाया था। लेकिन टूरिस्ट के ऊपर भी कोई एक इकोनॉमी सर्वाइव नहीं कर सकती है। अल्टीमेट अगर कोई कंट्री इकोनॉमी को सर्वाइव करना चाहे तो उसके लिए ओरिजिनल इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जहां मैन्युफैक्चरिंग हो आपके पास, मार्केट हो, टैलेंट पूल आपके पास हो। गल्फ कंट्रीज का सबसे बड़ा जो दुर्दशा या वीक पॉइंट रहा वो ये रहा
कि इन्होंने कभी अपने आप को रियल टर्म में स्ट्रांग नहीं किया, जैसे टैलेंट पूल डेवलप नहीं किया, कोई इंजीनियर साइंटिस्ट वगैरह हुए नहीं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हुई नहीं, समग्र विकास इंटीग्रेटेड जो है डेवलपमेंट होना चाहिए था वो उन्होंने किया नहीं, तो अभी भी बड़े कमजोर रह गए। उनके पास इजी पेट्रोल डॉलर आता गया, जो पेट्रोल की कंपनियां थी वहां पे बाहरी प्रोफेशनल्स काम करते थे। अब पेट्रोल के ऊपर से डिपेंडेंसी जैसे ही दुनिया की खत्म होगी वो कोलैप्स कर जाएंगे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। और कहा यहां तक जा रहा है कि वो पुराने बाबा आदम के जमाने में, गुफा के जमाने में, या जैसे वो चरवाहे थे पहले, वो उस लेवल पे पहुंच जाएंगे, उनके पास कोई स्कोप नहीं रहेगा। सबसे बड़ा चेंज जो आने वाला है वो गल्फ में आने वाला है, और इस चीज को, इस मौके को चाइना इनकैस कर रहा है। वो गल्फ से इंटरेक्शन करके वहां पे वो समझौते कर रहा है व्यापार के और सुरक्षा के दोनों। आपने एक क्वेश्चन पूछा कि डॉलर जो ग्लोबली एक्सेप्टेड है, देखिए अगर किसी को ग्लोबल पावर में चेंज करना है, शिफ्ट करना है वर्ल्ड ऑर्डर में, तो ग्लोबल करेंसी जो है उसको भी चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए भी चाइना कोशिश कर रहा है। चाइना ये बोल रहा है कि हम अपनी करेंसी में ट्रेड करेंगे गल्फ कंट्रीज से या जिनसे भी वो कर रहा है। यूएस डॉलर की एक्सेप्टेंस को वो खत्म करना चाहता है, तो ये इफर्ट्स चाइना की तरफ है। अब यूरोपियन यूनियन और अमेरिका क्या कर रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा, आप अपना सवाल पूछिए। बिल्कुल, तो एक मिश्रा जी, मैं आपसे अगला सवाल पूछना चाहता हूं, जो कि जब हम वर्ल्ड ग्लोबल ऑर्डर की बात करते हैं तो ग्लोबलाइजेशन की बात करना बनती है, लेकिन अभी ग्लोबलाइजेशन के लिए एक नया टर्म, उसके रिवर्स, उसको रिवर्स जब हम होता हुआ देखते हैं तो एक नया टर्म कॉइन किया गया जिसको हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन को जो रिवर्स हो रहा है, अब जैसे एक पैंडेमिक आ गई है, सबने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया, यूरोपियन यूनियन की भी अगर हम बात करें तो यूरोपियन कंट्रीज भी अपने अपने तक सीमित हो गई, और ब्रेक्सिट का भी हमें पता है, और भी हम दुनिया भर में जितनी उथल पुथल देख रहे हैं उसके बाद में कहीं ऐसा नहीं लगता है कि जो ग्लोबलाइजेशन है ये रिवर्स हो रहा है, और जो ग्लोबलाइजेशन है शायद वो वास्तव में आ सकता है, उसके क्या परिणाम होंगे? और इसी से संबंधित मेरा दूसरा सवाल है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यूएनएससी की हम बात करें, WHO की बात करें, तो ये जो संस्थाएं हैं ये फ्यूचर में कितनी इफेक्टिव रहने वाली हैं और इनका क्या असर होगा? जैसे कि हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन फेल हो गई, दावा किया जाता है कि पूरे वर्ल्ड को, सभी कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इनका जो फ्रेमवर्क है वो कहीं ना कहीं इस समय पर आकर फेल हो गया है, और ये पंगु हो गया है उन पावरफुल कंट्रीज और उन एजेंडा चलाने वालों के हाथों में जो इनको फंडिंग करते हैं, इनको पैसा देते हैं, और इनको 1940-1950 के आसपास से जब से इनको शुरू किया गया तब से लेके और अब तक ये क्या ऑब्सोलीट हो गई है या हमें कुछ नया फ्रेमवर्क करने की जरूरत है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने मिलकर IMF वगैरह ये सारी ऐसी संस्थाएं बनाई थी और नया वर्ल्ड ऑर्डर उस वक्त बनाया था जो आज तक चल रहा है। इन संस्थाओं का काम था कि एकीकृत तरीके से पूरी दुनिया का विकास करना, सपोर्ट करना जिनको लोन चाहिए, और कहीं ना कहीं छुपा एजेंडा ये भी था कि इन्हीं के थ्रू पूरे दुनिया पे जो है अपने दबदबा को कायम रखना। अब देखिए सवाल यहाँ पे ये होता है कि रशिया के कारण जो वैक्यूम हुआ वहां पे चाइना उभरा। चाइना ने देखिए अपना IMF की तरह वो अपने इंस्टीट्यूशन भी बना रहे हैं चाइना और उसके एलाइज मिल करके, ताकि IMF वगैरह या जो और ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर से दुनिया के देशों की डिपेंडेंसी कम हो। यानी एक विकल्प आपको देना पड़ेगा जो इमर्जिंग ग्लोबल पावर अपने आप को क्लेम कर रहा है, चाइना जैसे अभी क्लेम कर रहा है। तो ये सारी की सारी जो जद्दोजहद है, अगर नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा तो डेफिनेटली एस्टेब्लिश वर्ल्ड ऑर्डर की जितनी संस्थाएं हैं वो सब धराशायी होंगी, करेंसी भी चेंज हो बहुत कम दिख रहा है। ठीक है, एक पर्टिकुलर जियोग्राफी में चेंजेस हो सकते हैं, एक पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमी अच्छी या खराब हो सकती है। जो मैंने आपको गल्फ का एग्जाम्पल दिया, गल्फ का एग्जाम्पल, डेफिनेटली वहां की कंडीशन बहुत खराब होने वाली है, और हो सकता है गल्फ के लोगों को बाहर दूसरे देशों में जाना पड़े नौकरी ढूंढने के लिए। यानी पूरा रिवर्स सिस्टम यहाँ पे फिर से एक बार शुरू हो सकता है। आपका एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट था, देखिए इन सारी चीजों में हो क्या रहा है। जो अभी एग्जिस्टिंग ग्लोबल पावर है अमेरिका और यूरोपियन यूनियन, यानी उनके जो अलाइज है, वो इतने जल्दी अपने हाथों से कुछ जाने नहीं देना चाहेंगे। देखिए अमेरिका ने अभी डिक्लेयर किया था कि हमें पेट्रोल की अब जरूरत नहीं है, USA पेट्रोल के लिए इंडिपेंडेंट हो गया है, पेट्रोल के बहुत ज्यादा भंडार USA में है।
ओपेक कंट्री ने अभी बीच में रशिया से ये रिक्वेस्ट की थी कि आप पेट्रोल के दाम को घटाइए मत, ताकि ओपेक कंट्री या गल्फ वगैरह की प्रॉफिटेबिलिटी बनी रहे, लेकिन रशिया नहीं माना। बहुत सारे ऐसे समझौते हैं, बहुत सारे ऐसे ग्लोबली एक्सेप्टेड नियम है जिनको चाइना नहीं मान रहा है। साउथ चाइना सी का विवाद यही है ना, चाइना कहीं मान ही नहीं रहा है, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको वो चुनौती दे रहा है, उसको मानने से वो इनकार कर रहा है। WTO वगैरह के, इंटरनेशनल कोर्ट वगैरह के बहुत सारे आदेशों को उसने मानना शुरू कर दिया। तो ये एक कियोस्क तो ये डेवलप हो रहा है जिसमें कई शक्तियां उभर करके आ रही हैं, उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। देखिए एक एक रीजन वाइज मैं बोलूंगा। गल्फ की प्रॉब्लम ये है कि वो लोग ये सोच रहे हैं कि हमारी जो करंट लाइफ स्टाइल है, इकोनॉमी है, वो मेंटेन कैसे रहे, वो किसकी तरफ जाए, वो चाइना की तरफ जाए कि अमेरिका की तरफ जाए। अच्छा, चाइना की महत्वाकांक्षा ये है कि वो ग्लोबल वर्ल्ड पावर के सारे सिनेरियो को चेंज करके खुद को वर्ल्ड पावर बनाना चाहता है। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन अपने दबदबे को वो कायम रखना चाहते हैं। इसी कारण ये सारा विवाद जो मैंने आपको बोला कि टर्की अपना कुछ अलग ही कर रहा है, उसकी अपनी ख्वाहिशें हैं, उसकी एक्टिविटी देखिए। ईरान का अपना अलग ख्वाहिशें हैं, उसकी एक्टिविटी देखिए। गल्फ में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पैदा हुआ, वो इसराइल, उसकी अपनी ख्वाहिशें हैं, वो अलग एक पावर सेंटर की तरह, रीजनल पावर सेंटर की तरह जो है प्ले कर रहा है। हम लोगों के एरिया में चाइना और इंडिया एक अलग से रीजनल ग्लोबल पावर की तरह, बैलेंसिंग फैक्टर की तरह प्ले कर रहा है, इंडिया और चाइना दोनों भी। जी मिश्रा जी, मेरा अगला सवाल एशिया के साथ ही था। मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि एशिया पर इसका क्या प्रभाव होगा। यहाँ पर एक दो नेशन है, इंडिया है और चाइना है, दोनों ही चाहते हैं कि वो आने वाले समय में वर्ल्ड पावर बने और सेंटर ऑफ द वर्ल्ड बने। तो अगर हम बात करें चाइना की, चाइना ने जैसा कि कहा जा रहा है कि अगर, वैसे तो वो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है, लेकिन फिर भी उसने कोरोना की जो समस्या है उसका ठीक तरीके से उसने उसको बैलेंस कर लिया है। और वहीं दूसरी तरफ उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो उसकी रीढ़ की हड्डी है, सबसे मजबूत कड़ी है उनके पास में, उसको वो दोबारा पटरी पर लेकर आए हैं। उनका जो प्रोडक्शन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत ने भी काफी देशों को हाइड्रोक्लोरोक्वीन जो दवाई है उसकी सप्लाई की है। भारत के पास में सबसे बड़ी यंग पॉपुलेशन है, यहाँ पर साक्षरता लगातार बढ़ रही है, देश की स्थिति काफी अच्छी है। तो इन दोनों देशों की अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है कि भविष्य में सुपर पावर या वर्ल्ड पावर चाइना होगा या भारत होगा, और भारत पे इसका क्या प्रभाव होगा उसके बारे में बताइए। देखिए सनोज, आपने ठीक बोला, अब की बार जो प्ले ग्राउंड होगा, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की स्थापना होगी या बनेगा, उसका प्ले ग्राउंड एशिया होगा। एशिया और एशियन कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करेंगे, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज का जो इंटरेस्ट है वो अब गल्फ से खत्म हो गया है, पेट्रोल की जरूरतें नहीं रहेंगी या उसके विकल्प मौजूद हो जाएंगे। देखिए इनोवेशन और मिलिट्री पावर तो अभी भी USA और उन कंट्रीज, उनके एलाइज के पास रहेंगी, क्योंकि टेक्नोलॉजिकली चैलेंज करना या सुपरसीड करना अमेरिका वगैरह को अभी बहुत मुश्किल, चाइना वगैरह के लिए इनोवेशन वगैरह में। तो मुझे ये लगता है कि उनकी कमोबेश जो स्थिति है वो वही रहेगी, वो अपने एलाइज एशिया में डिसाइड करेंगे। यहाँ पे इंडिया का लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो फ्यूचर मुझे ज्यादा बेटर इसलिए लग रहा है क्योंकि चाइना की जो अपनी नीतियां हैं, जो आप ये देखिए साख और विश्वसनीयता अगर खत्म होती है तो कोई भी देश उसके साथ जो है रहना नहीं चाहता है। ठीक यही कंडीशन है। ठीक है चाइना उबर सकता है, लेकिन उबरेगा तो विद डेंट उबरेगा, उसके बिजनेस में कमी आएगी। पूरी दुनिया में देखिए चाइना को इनकम कहाँ से होती है, इंडिया, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका, ये सबसे बड़े उनके प्रोडक्ट को परचेज करने वाले के कारण चाइना इतना रिच बना। गल्फ में देखिए, गल्फ में एक तो पैसा नहीं रहेगा तो परचेजिंग पावर नहीं रहेगी। और गल्फ की पॉपुलेशन कितनी है, 10-20 करोड़, 25 करोड़ है। 7 करोड़ पॉपुलेशन सऊदी अरेबिया की है, इसी के आसपास आप देखिए ईरान वगैरह की है, तो बहुत पॉपुलेटेड नहीं है। अब जमाना उसका रहेगा, लीड वो करेगा, इंडिया की तरह कंट्रियां लीड करेंगी या एशिया, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन भी है, यहाँ मार्केट भी है, यहाँ टैलेंट भी है, यहाँ हुनर भी है, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को डेवलप भी किया जा सकता है। तो जहां ये सारी चीजें रहेंगी वो डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट अपना रोल प्ले करेगा। एक और खास बात मैंने आपको बोला है, जो लोग ये सोचते हैं कि अमेरिका वगैरह की इकोनॉमी जो है गिर रही है, ये देखिए मैं आपको बताऊं, अमेरिका की इकोनॉमी एक वाकई में बहुत आइडियल इकोनॉमी का एग्जाम्पल है। उसके पीछे रीजन है, एक इकोनॉमी के कुछ सिम्टम होने चाहिए, जैसे एक तो
इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट होने का मतलब है कि हर फील्ड में विकास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे गल्फ में केवल पेट्रोल का ही विकास हो गया, बाकी सारे फील्ड छूट गए। एक मेडिकल कॉलेज नहीं वहां पे, एक डॉक्टर वो लोग पैदा नहीं करते, इंजीनियर नहीं पैदा करते। आइडियल इसलिए है अमेरिका का क्योंकि वहां हाईटेक इनोवेशन से लेकर के चाहे वो आयुध हो, मतलब अस्त्र शस्त्र हो, हथियार हो लड़ने के, स्पेस के हो, इनोवेशन में वो बहुत आगे है। हर तरीके के मिनरल अमेरिका में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। एग्रीकल्चर और प्रकृति से रिलेटेड जितने रिसोर्सेज है वो अपने आप में सेल्फ सफिशियंट है, इंडिपेंडेंट है। अच्छा, उसको जरूरत है मैन पावर और मार्केट की। इसीलिए मैं बोलता हूं कि इंडियन इकोनॉमी में भी लेटेंट वे में देखा जाए तो वो कैरेक्टर अवेलेबल है कि वो इंटीग्रेटेड वे में इंडिपेंडेंट हो सके। इंडिपेंडेंट होने का मतलब है कि अगर आप पूरी दुनिया से कट भी जाए तो भी आप अपने देश की सारी जरूरतों को ऑलमोस्ट अपने आप पूरा कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी यह है कि एग्रीकल्चर सेक्टर आपका अपने पास हो, आपके पास इनोवेशन हो, आपके पास मैन्युफैक्चरिंग की टेक्नोलॉजी हो, फैक्ट्रीज हो कि अपनी जरूरत के हिसाब से चीजों को प्रोड्यूस कर सके, और आपके साथ अपना जो है मार्केट हो कि आप उसको प्रोड्यूस करने के बाद उसको कंज्यूम भी कर सके, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी ना रहे। दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी हमेशा सरप्लस या माइनस होता है। आपने कुछ एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट कर दिया तो आपकी इनकम हो गई, आपने इम्पोर्ट कर दिया तो आपके इनकम से माइनस हो गई। अमेरिका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है फुली इंडिपेंडेंट इकोनॉमी का, जहां पे वो सारे फैक्टर मिलते हैं कि अमेरिका अगर दूसरे देशों, अमेरिका को दूसरे देशों के ऊपर इंडिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। अगर क्राइसिस आ जाए तो अपनी सारी चीजें खुद अपने यहाँ प्रोड्यूस करके अपने आप को सर्वाइव कर सकता है। गल्फ में ये चीजें नहीं है, इंडिया कर सकता है, चाइना कर सकता है, चाइना ने किया भी, इंडिया कर सकता है और करने की तरफ अग्रसर है। वो सारी बेसिक फैसिलिटीज, सारे सिम्टम्स हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में जो जियोपॉलिटिकल ग्लोबल सिचुएशन चेंज होने जा रही है, गल्फ की तरफ से बहुत बड़ा वैक्यूम आएगा इकोनॉमिक और इन सब चीजों में, वहां की सिचुएशन चेंज होगी। चाइना के अंदर डी ग्रोथ होना है, हो सकता है चाइना का और नुकसान किया जाए क्योंकि वैश्विक शक्तियां जिनको ये चैलेंज कर रहा है वो पीछे पड़ा है। हो सकता है चाइना बहुत ज्यादा कंटेंट हो जाए, तो चाइना को रिप्लेस कौन करेगा, गल्फ को रिप्लेस कौन करेगा इकोनॉमी के मामले में। बट नेचुरल है, पूरी दुनिया में एक इंडिया है जहां पे वो सारे बेसिक फैक्टर्स अवेलेबल है। तो इंडिया का फ्यूचर, मुझे अगर इंटीग्रेटेड वे में हम लोग मेहनत करें, गवर्नमेंट, पब्लिक और इंडस्ट्री वगैरह मिलके, तो बहुत मतलब ब्राइट फ्यूचर इंडिया के सामने है ग्लोबल लीडर बनकर के उभरने का। देखिए मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बताया समीक्षा की सभी चीजों की कि इनके क्या परिणाम हो सकते हैं भविष्य में, ये ऊंट किस करवट बैठ सकता है, चीजें क्या होंगी, पावर ऑफ सेंटर क्या होगा, अमेरिका का क्या होगा, गल्फ का क्या होगा, भारत चाइना का क्या होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ में लगातार पर्दे के पीछे कार्यक्रम में आते हैं और हमारे जितने भी दर्शक हैं उनका आप ज्ञानवर्धन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एके मिश्रा जी। थैंक यू सनोज, आपका भी और आपके दर्शकों का भी। थैंक यू। एनबीटीवी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अगर अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम डेली आपके लिए पर्दे के पीछे हमारा स्पेशल कार्यक्रम भी लेकर आते हैं जहां पर आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, और अगर पसंद नहीं आता है किसी कारणवश तो हमें कमेंट करके बताइए। कीप वॉचिंग एनबीटीवी। सनोज गौतम विल गेट बैक टू यू वंस अगेन।